आलू पालक बनाया वही मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने पालक लिया जिसे मैंने अच्छे से धो दिया था, पानी बॉईल किया, उसमें पालक डाला और उसे 5-7 मिनट तक पकाया जब तक वो सॉफ्ट हो जाए। फिर जब वो सॉफ्ट हो गया तब मैंने उसे ठंडे पानी में निकाल दिया। ठंडे पानी में डालने से उसका कलर मेंटेन रहता है और तब जब तक वो ठंडा होता है तब तक मैंने 4 आलू लिया है, उन्हें मैं कट कर दूंगी और जो पालक था उसे ठंडे होने में उसका प्यूरी बना लूंगी। अब एक प्याज, एक हरी मिर्च और एक टमाटर लिया है जिसे मैं चॉप कर दे रही हूँ। ऑयल गर्म किया और उसमें आलू डाल दिया और उसे फ्राई करूंगी जब तक वो लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। लो फ्लेम पे फ्राई करूंगी तो 5-10 मिनट लग जाएगा और जब वो फ्राई हो गया तब मैंने उसे साइड में निकाल दिया। फर्दर सेम ऑयल यूज़ करी जिसमें मैंने काली मिर्च, लौंग डाला है, जीरा और हींग डाला, फिर प्याज ऐड कर दिया, उसे थोड़ा सा सॉटे किया, फिर टमाटर ऐड कर दिया, टमाटर को भी थोड़ा पकाया, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट और अब मैं मसाला डालूंगी। तो नमक, थोड़ी सी हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, वाटर ऐड किया, मसाला जले ना और फिर वो प्यूरी ऐड कर दी। मुझे इसे अच्छे से पकाना है लो फ्लेम पे 10-12 मिनट। जब वो पक जाएगा तब मैं उसमें आलू ऐड कर दूंगी और 1 मिनट बाद फ्लेम ऑफ कर दूंगी। आलू पालक बन गया।